हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फॉर लूप के कुछ एग्जांपल देखेंगे। अगर आपको पिछले वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन है, अ लूप इज अ वे टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। यानी लूप एक ऐसा तरीका है मदद से हम किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक स्पेसिफिक कंडीशन के मैच होने तक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप। यहाँ पे टाइप्स ऑफ लूप तीन प्रकार के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। मेजरली इन तीनों लूप से हमारा काम हो जाता है और मैक्सिमम टाइम फॉर लूप ही यूज करते हैं। इन तीनों लूप को एक दूसरे की जगह रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस के बारे में पता होता है, यानी हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा हमें उस चीज के बारे में पता होता है। और व्हाइल लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस के बारे में पता नहीं होता है, यानी हमें केवल कंडीशन पता होती है पर ये नहीं पता होता है कि हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ऐसी कंडीशन में हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं। और सिमिलरली डू व्हाइल लूप एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता ही है एनी हाउ कंडीशन। फॉर लूप का सिंटेक्स फर्स्ट तो इसलिए किया जाता है जो कि आउट ऑफ लूप भी कर सकते हैं, यानी हम बाहर भी कर सकते हैं और लूप के अंदर भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं कि हमारा लूप किस कंडीशन तक चलने वाला है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखते हैं, उसके बाद लूप की बॉडी होती है। व्हाइल लूप में सिंपली हम व्हाइल लिखने के बाद ऐसे ब्रैकेट में अपनी कंडीशन लिखते हैं, देन बॉडी होती है। और डू व्हाइल लूप में डू कीवर्ड का यूज करने के बाद कोड की बॉडी होती है, सारा कोड लिखते हैं, देन व्हाइल कीवर्ड के साथ यहाँ पे हमारी कंडीशन लिखते हैं। फॉर लूप में कंडीशंस चेक होती है, व्हाइल लूप में भी कंडीशंस चेक होती है एंट्री लेवल पे, पर डू व्हाइल लूप में हमेशा कंडीशन चेक होती है एग्जिट लेवल में। ये तीनों में एक डिफरेंस होता है। आइए हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे और वहां पे कुछ एग्जांपल से फॉर लूप के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड पे और हम देखते हैं नीड, फॉर लूप की नीड क्यों है। हमें अगर हमें 10 तक नंबर प्रिंट करवाना हो तो या तो हम सी आउट वन, सी आउट टू ऐसे इनको कॉपी पेस्ट करके 10 तक प्रिंट करें, या फिर एक तरीका है फॉर लूप। फॉर लूप को सिंपली फोर कीवर्ड के साथ ब्रैकेट में इनिशियलाइज किया जाता है। लेट सपोज हम आई ले रहे हैं जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, और वन इसका स्टार्ट रहेगा, यहां से हमारा लूप चलेगा। देन हम कंडीशन दे रहे हैं कि हमारा लूप 10 तक चलना चाहिए, यानी 10 बार हमारा लूप रिपीट होना चाहिए। उसके बाद ये हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी लूप हमारा इंक्रीमेंट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी बढ़ते क्रम में होना चाहिए। हम इसको यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, रन करते हैं इसको। देखिए 1 से 10 यहाँ पे हमारे पास सारा डेटा आ गया जो कि इंक्रीमेंट फॉर्म में है। अब इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे प्लस इक्वल टू करके दो दो के फॉर्म में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इसे एक बार और एग्जीक्यूट करता हूं मैं। वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, ऐसे हमारा कोड चलाए और इस इनिशियलाइजेशन को हम कोड के बाहर भी कर सकते हैं ताकि हम इसे फॉर लूप के बाहर भी एक्सेस कर पाए। और अगर हम इस आई को इस लूप के अंदर इनिशियलाइज करेंगे तो इस आई को हम लूप के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमें अगर यहाँ पे आई को प्रिंट करवाना हो तो ये हमें एरर शो करेगा। मैंने यहाँ पे इसे ग्लोबली इनिशियलाइज किया है ताकि मैं इसे फॉर लूप में तो एक्सेस कर ही पाऊं,
और फोर लूप के बाहर भी इसे पूरे लूप की बॉडी में कहीं सॉरी मेन फंक्शन की बॉडी में कहीं भी एक्सेस कर पाऊं। प्रिंट करके देखते हैं हम, सेम ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे 11 हमारे पास एक्स्ट्रा है, 11 हमारे पास एक्स्ट्रा इसलिए आया है क्योंकि ये आई हमारा ग्लोबली इनिशियलाइज हुआ है, और जब हम कंडीशन 10 पे पहुंचे उस टाइम देखा कि आई हमारा 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, पर जब नेक्स्ट टर्म में हमारा आई प्लस प्लस हुआ तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी हमारा आई जिसकी वैल्यू अब 11 हो गई वो 10 से बड़ा हो गया, तो हम यहाँ से बाहर हो गए और सीधे लूप के बाहर होने के बाद हमारा ये आई प्रिंट हो गया। अब इसे हम डिक्रीमेंट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक तक चलाना हो तो आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसे डिक्रीमेंट फॉर्म में चलाते हैं तो हम 10 से 1 तक रिवर्स फॉर्म में प्रिंट कर पाएंगे और 0 भी आ रहा है। ये सेम वही प्रोसेस है जैसे हमारा 11 आया था। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने फॉर लूप के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहे होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।